हेलो एवरीवन, ऑल द बच्चा पार्टी, हाउ आर यू? तो बच्चे लोग, क्या हो रहा है, क्या हाल है, मजे में सब? तो आज हम लोग पढ़ेंगे, वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे अपना, एक्वेटिक ट्रेस सर्वाइवल इन एनिमल्स। तो लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में क्या बात की हमने, टेस्टेड एनिमल्स के फीचर्स के बारे में, अडैप्टिव फीचर्स के बारे में, कि कैसे वो अडैप्टेशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। तो आज एक्वेटिक एनिमल्स पे बात करेंगे। एक्वेटिक एनिमल्स होते क्या हैं, तो बता ही दिया था कि जो एनिमल पानी में रहते हैं, ठीक है, वो एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। जितने भी फिशेज हो गए, सी हॉर्स हो गए, ये सब, तो उनके क्या फीचर्स हैं, अडैप्टिव फीचर्स, कैसे वो अडैप्ट पानी में अपना जीवन यापन करते हैं, अडैप्टिव कौन कौन से फीचर्स उनके पास, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला होता है उनके पास गिल्स, जो इससे वो सांस लेते हैं, ठीक है। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं पानी में रहने वाले, उनके पास, जैसे हमारे पास फेफड़ा होता है सांस लेने के लंग्स, उसी तरह उनके पास क्या होता है, गिल्स होता है, ठीक है, जिससे वो सांस लेते हैं पानी के अंदर। उसके बाद लेकिन एक्सेप्शन है, वेल जो मछली है, वेल मछली के पास लंग्स होता है, ठीक है, बड़ी मछली है काफ़ी, उसके पास लंग्स होता है। दूसरा है फिन एंड लिम्स, फिन एंड लिम्स क्या, जिससे वो तैरते हैं, ठीक है, उनके पंख कह लीजिए, उनके हाथ कह लीजिए, ठीक है, जिससे वो तैरते हैं, ठीक है, पानी को पीछे धकेलते हैं। कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिनके फिन एंड लिम्स के जगह पर वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट मतलब चौड़े पैर होते हैं, वेब्ड फीट, ठीक है, पंजे टाइप चौड़े से, ठीक है, तो उससे वो पानी को धकेल के पीछे क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं। फिन एंड लिम्स हो गया, वेब फीट भी हो गया। एग्जाम्पल वेब फीट में कौन हो गया, डक और गीज। डक मतलब जानते हैं बत्तख, गीज मतलब हंस। तो ये जो है, इनके पास वेब्ड फीट होता है। ब्लबर, ब्लबर के बारे में क्या होता है, बताया था मैंने टेस्टेड एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स जिनकी स्किन काफी फैट मोटी होती है, ठीक है, थिक होती है, थिक मोटी, थिक स्किन के अंदर वो लोग फैट स्टोर करके रखते हैं, उस फैट को ब्लबर कहते हैं, ठीक है। अब इस फैट का इस्तेमाल वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी के तौर पे करते हैं, फूड के तौर पे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई, ये एक्वेटिक एनिमल्स के फीचर्स हैं, क्लियर। तो इसके अलावा और क्या टॉपिक बचा है, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बारे में अगर बताया जाए, तो एम्फीबियंस क्या होते हैं, वैसे एनिमल्स जो पानी में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल लैंड में भी रहते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीबियंस, ठीक है। और इसका एग्जांपल मंकी, आप जानते हो मंकी को, ठीक है। दूसरा है फ्रॉग, फ्रॉग भी क्या है, वो दोनों जगह रहते हैं। जब फ्रॉग जो है ना छोटा होता है, ठीक है, तो वो लैंड पर रहता है, जब बड़ा हो जाता है, डेवलप कर जाती है उसकी बॉडी, तो वो पानी में भी जाता है, लैंड पे भी रहता है, पानी में भी आराम से जा सकता है, रहता है। तो फ्रॉग भी क्या है, एम्फीबियन है, सॉरी मंकी, मैंने गलत नाम ले लिया, मंकी तो क्या है वो, उसका नाम मंकी जो है पेड़ पर रहने वाला जानवर, जिसको एर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। तो एम्फीबियंस के पास कौन कौन सी चीज़ें होंगी, फीट भी होगा और पंख तैरने के लिए, स्विमिंग करने के लिए वेब फीट हो, या फिन या लिम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दे हैव लिम्स टू फैसिलेट स्विमिंग, लिम्स होते हैं उनके पास, ठीक है। सम ऑफ देम हैव वेब फीट एंड टेल्स टू हेल्प इन द स्विमिंग, मछलियों में जो टेल्स होती है वो भी उनको, हाँ मछलियों में जो टेल्स होता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मछलियों के टेल्स जो है किस चीज़ में हेल्प करते हैं, तो मछलियों के जो टेल होते हैं वो उनको डायरेक्शन चेंज करने में, या डायरेक्शन में जाने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए हेल्प करते हैं, डायरेक्शन उससे चेंज करते हैं मछलियाँ। तो डायरेक्शन के लिए भी जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसके पास टेल होते हैं। तो एम्फीबियन होंगे, उनके पास क्या होगा, टेल होगा, पूंछ जिसको कहते हैं, ब्रेथ देयर थ्रू इसको ऐसे अंदर अपने फटक। और जो एम्फीबियन होते हैं उनके पास क्या होता है, लंग्स होता है, जब वो लैंड पे होते हैं, और पानी में वो कैसे सांस लेते हैं, उनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है उसके थ्रू वो सांस लेते हैं, ठीक है। स्किन में काफ़ी पोर्स होते हैं, उस मॉइस्ट स्किन से वो सांस ब्रीथिंग करते हैं। तो एम्फीबियन का ये अडैप्टिव फीचर क्या हो गया, उनके पास लिम्स भी होते हैं पानी में रहने के लिए, उनके पास लंग्स होता है लैंड पर रहने के लिए, उनके पास
मॉइस्ट स्किन होता है पानी में सांस लेने के लिए, इसके साथ साथ उनके पास वेब फीट और टेल भी होता है। तो ये एम्फीबियन के क्या हो गए, फीचर, अडेप्टिव फीचर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरियल एनिमल्स और एर्बोरियल एनिमल्स के बारे में, ठीक है। अंटिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।